व्यूअर, सोनम कपूर जो कि शादी के कई सालों बाद एक बेबी बॉय की मदर बनी है, उनकी मुकम्मल पिक्चर्स, उनके बारे में जो इस टाइम पर इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपको जरूर सुनवाएंगे, वो जरूर बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। आपको बताते चलिए सोनम कपूर के बारे में, तो इस टाइम पर सोनम कपूर के बेबी बॉय को लेकर, सोनम कपूर की हेल्थ कंडीशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस बातें सामने आ रही है। बहुत सारी बातों से, बहुत सारे सोर्सेज से जब उन्होंने तमाम चीजों को फैंस के सामने लेके आए कि उनका बेबी होने वाला है, तो उस टाइम पर सामने आ रही थी कि अगस्त के एंड तक वो बेबी को डिलीवरी करेंगी। इसके अलावा अपना हर टाइम, अपनी हर चीज, अपनी हर जर्नी अपने हस्बैंड अनन आहूजा के साथ स्पेंड कर रही थी और हर चीज को मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर रही थी और फैंस को इनकी तमाम चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसी चीजें भी शेयर करती है जो फैंस देख कर बहुत ज्यादा डिसर्ट हो जाते हैं कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज के पास इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी अपने हेल्थ केयर रूटीन पर मुकम्मल तवज्जो भी देते हैं, जिम भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनको इतने बड़े इश्यूज आ जाते हैं, ये वाकई बहुत ज्यादा डिसहर्ट बात है। यहीं पर बताते चले आपको इनके बारे में, तो सोनम कपूर ने एक ऐसी पिक्चर पोस्ट की जिसमें उनके स्वर्ण जो है वो फीट थे, उनके पांव मुकम्मल तौर पर सूजे हुए थे और उन्होंने ये लिखा हुआ था, प्रेगनेंसी इज नॉट प्रीटी फॉर सम टाइम। और फैंस के सिर्फ ये फर्स्ट टाइम नहीं था बल्कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज भी उनके हस्बैंड ने पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि वो तब की सारी बातें हैं जब शुरू के प्रेगनेंसी के डेज थे और सोनम कपूर अपने आप को बहुत ज्यादा बीमार महसूस कर रही थी। सोनम कपूर के बारे में बताते चले, कौन नहीं जानता कि सोनम कपूर डायबिटीज यानी शुगर की इस टाइम पर मरीज है, जिसकी वजह से उनको कंसीव करने में भी काफी साल लगे। तकरीबन 6 से 7 साल बाद जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने बेबी को बाय नेचुरल बर्थ कंसीव किया, तो अपनी हर चीज को बहुत ज्यादा ख्याल से, अपनी हर चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से तो लेकर चल रही हैं, लेकिन फॉर सम टाइम उनको बहुत सारे इश्यूज का, अपनी शुगर की वजह से, अपनी डायबिटीज बीमारी की वजह से, डिजीजेस की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और फैंस इसके लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि सोनम कपूर जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि सोनम कपूर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर, जो भी आने वाला है उस बेबी से ज्यादा अहम तो इस टाइम पर सोनम कपूर हैं। लेकिन इस तरह की बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस होती हैं जो कि अपनी तमाम चीजों को छोड़कर सरोगेसी के ऑप्शन को अपनाती हैं, लेकिन सोनम कपूर ने फिर भी 6 से 7 साल बाद अपने मुकम्मल तौर पर इलाज, ट्रीटमेंट, अपनी जिम सेशन और तमाम चीजों को, स्ट्रगलिंग के बाद अपनी हेल्थ केयर रूटीन की, उसके बाद बेबी को कंसीव भी किया और इस तरह की चीजों को जिस तरीके से फैंस के साथ शेयर करती हैं, फैंस वाकई उनके लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं। व्यूअर्स, आपकी तमाम चीजें जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।